दोस्तों इस वीडियो में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिसमेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडीज हैं, आपके प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदी आप सबका स्वागत करता हूँ निरामया हेल्थ सेंटर में। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। डिसमेनोरिया जो है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया जिसमें पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स या क्रैम्प्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इसका अंडरलाइन कोई कॉज नहीं है या इसका और कोई कारण नहीं। बिल्कुल, जहाँ पे और कोई कारण है यानी अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल्स में उनमें खराबी या कोई प्रॉब्लम आने की वजह से अगर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स होता है या डिसमेनोरिया होता है उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोला जाता है। उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ प्राइमरी डिसमेनोरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किन लेडीज में ज्यादा, किन गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है, खास करके जो यंग गर्ल्स हैं, अनमेरिड गर्ल्स हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब 12-13 साल में पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं उस टाइम पर ये प्रॉब्लम बहुत लड़कियों में देखी जाती है। साथ ही साथ अगर स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर रहता है और भी कई तरह के प्रेशर रहते हैं तो स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम एग्रावेट होती है, बिल्कुल ज्यादा देखी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में यानी आपकी फैमिली में आपकी मदर को या उनकी मदर को ये प्रॉब्लम रही है पेनफुल पीरियड्स की तो ज्यादा चांसेस है आपको भी जो पीरियड्स है वो पेनफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा इसमें दर्द जो है ना वो लोअर एब्डोमेन में देखा जाता है यानी आपके नाभि के निचले हिस्से में जो दर्द है वो देखा जाता है। दर्द की इंटेंसिटी काफ़ी लड़कियों में तो बहुत सीवियर रहती हैं और कुछ लोगों में मॉडरेट रहती है और कुछ में कम रहती हैं। और कई बार ये जो दर्द है ये बैक की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ रेडिएट करता है, जांघों में यानी थाइस में भी रेडिएट करता है। पेन जो है वो पीरियड्स के 1-2 दिन पहले से स्टार्ट होता है और 2-3 दिन तक रहता है। ये टिपिकल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पेन, पेनफुल पीरियड्स का सिम्टम है। अगर इसके अलावा अगर आपको पेन जैसे 3 दिन के बाद भी पेन है तब आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये सेकेंडरी डिसमेनोरिया या अंडरलाइन कोई कॉज हो सकता है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है एक बार। अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिसमेनोरिया या होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पेनफुल पीरियड्स। मेडिसिन में दोस्तों एक तो जो मेडिसिन हैं वो पेनफुल पीरियड्स को तो कवर करेंगी ही, साथ में पीएमएस को भी कवर करेंगी यानी पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले जो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी ये मेडिसिन कवर करेंगी। बिल्कुल, और उसमें मेन सिम्टम होता है पेन और इरिटेबिलिटी। तो पहली जो मेडिसिन है वो है मैकफॉस 6x पावर में। मैकफॉस एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका पूरा नाम है मैग्नीशियम फॉस्फोरिक। बिल्कुल, ये मेडिसिन क्रैम्प्स के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत ही शानदार दवाई है, एक तरह से रामबाण दवाई है ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की। और आप जानते हैं कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो क्रैम्प्स या पेन जो है जनरली 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत रिलीफ देती है। साथ ही साथ अगर आपको पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें वार्म एप्लीकेशन से अगर आपको रिलीफ मिलती हो यानी आपको मन करता हो कि हॉट वाटर बैग अपने लोअर एब्डोमेन में रखे तो इस सिचुएशन में जब आपको आराम मिलता हो तो भी ये मेडिसिन आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देंगी। साथ ही साथ अगर आपको प्रेशर देने से पेन में रिलीफ मिलता है उस कंडीशन में भी मैकफॉस जो है आपको बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये मेडिसिन 4-4 टैबलेट, ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी, बहुत कॉमन मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाएगी। आप 25 ग्राम का एक पैकिंग आता है वो पैकिंग ले आए और उसमें से 4 टैबलेट करके हर 1 घंटे पे या हर 2 घंटे पे जैसे जैसे आपको जरूरत महसूस हो इसको आप लेते रहे, यानी अगर साइड इफेक्ट नहीं है। यानी अगर आपका पेन बहुत ज्यादा है तो आप हर 1 घंटे में ले सकते हैं और अगर आपको मॉडरेट पेन है, माइल्ड पेन है तो आप हर 3-4 घंटे में इसको ले सकते हैं। और आपको स्टार्ट करना है 2 दिन पहले, पीरियड्स के 2 दिन पहले से स्टार्ट कीजिए और जब तक आपको पेन रहता है तब तक ये मेडिसिन आपको लेना है और जैसे ही पेन आपका पीरियड्स का खत्म हो गया आप इसको भी बंद कर दीजिए। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव, आप जरूर से इसको यूज करके देखें। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला, पल्सेटिला 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन देखिए, ये जो पीरियड्स का जो पेन होता है ना, डिसमेनोरिया जो होता है, ये ज़्यादातर यंग अनमेरिड गर्ल्स को
इफेक्ट करता है जैसा डॉक्टर ने आपको बताया। तो यंग गर्ल्स के लिए जब उनको डिस्मेनोरिया होता है तो पल्सेटिला से बेटर होम्योपैथिक मेडिसिन आई डोंट थिंक कोई भी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आप 30 पावर में दिन में 2 बार सुबह और शाम को यूज़ करें। इस मेडिसिन में आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, साथ ही साथ पेन आपको थाइस की तरफ या बैक की तरफ भी रेडिएट हो सकता है, प्यास आपको बिल्कुल नहीं लगती है, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसा मैंने बताया मेडिसिन जो है वो PMS को भी कवर करेंगी, तो PMS का सबसे जो मेजर सिम्टम होता है वो है इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग, तो ये मेडिसिन उसको कवर करेंगी। प्यास भी बहुत कम लगती है। साथ ही साथ पेन इतना ज़्यादा होता है कई बार कि पेशेंट जो है वो रोने लगता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के पेशेंट्स होते हैं, ठंड ज़्यादा लगती है लेकिन ओपन एयर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पल्सेटिला 30 2 बार लेना है सुबह और शाम, 7 दिन तक उनको लेना है। तो ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम को जड़ से भी ठीक करेगा। मैकफॉस के साथ ये लेने से मैकफॉस तो आपको रिलीफ देगा और ये मेडिसिन आपके प्रॉब्लम को दूर करेगा, जड़ से ठीक करेगा। और एक हमारी मेडिसिन हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं, उसका नाम है कैमोमिला 30 पोटेंसी। ये मेडिसिन क्या है, इसमें जो पेन होता है अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, इतना सीवियर पेन कि आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो ये मेडिसिन आपको लेनी है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क कलर की होती है, साथ ही साथ क्लॉट्स भी निकल सकते हैं, यानी गुच्छे भी निकल सकते हैं, और मूड स्विंग्स जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, पेन जो है वो लोअर एब्डोमेन के साथ साथ थाइस तक में एक्सटेंड हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हैं तो मैकफॉस के साथ साथ कैमोमिला 30 आपको लेनी है। बिल्कुल, ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम 7 दिन तक लेना है। तो दोस्तों ये हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर डिस्मेनोरिया थी, यूज़ कीजिए और अपना रिजल्ट जो है वो हमें कमेंट्स में बताइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।